हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज ब्लॉग। तो आज है मेरा लास्ट डे कोलकाता में, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ मायके छोड़ के। 10 दिन कैसे बीत गए ना, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गए। अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अब अभी बज रहे हैं शायद 12 बज रहे हैं, और फ्रेश हो गई हूँ, नहा वहा लिया है, और अभी मैं थोड़ा सा सामान लाने जा रही हूँ, एक दो सामान घर के पास में से। मन तो था कि राखी तक रुक जाएं, लेकिन राखी तक नहीं रुक सकती हूँ। दीदी लोग बहुत बोल रही थी कि राखी तक रुकने, क्योंकि मेरा टिकट बना हुआ है, इसीलिए मैं नहीं रुक सकती हूँ। और ऐसा है ना कि मैं एक मुहूर्त होता है फर्स्ट बेबी को लेकर आने, लेकर आते हैं तो मुहूर्त के हिसाब से आते हैं, तो मेरा वो बना हुआ है मुहूर्त वगैरह दिन में, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा आज ही, और टिकट भी बना हुआ पहले से। कैसे इतना दिन बीत गया, 10 दिन मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। और ये कोलकाता घूम लिया मैंने, जितना घूमना था वो घूम लिया, खा पी लिया। यहाँ का खाना टेस्टी टेस्टी, जंक, यहाँ का जंक फूड, बाहर का जो फुचका, बहुत कुछ खाया ऐसे बाहर में। तो और यहाँ से मैं अपने ससुराल जाऊँगी पहले आसनसोल, और वहाँ से 2 तारीख को मैं दिल्ली जाऊँगी। तो अभी ससुराल जाने के लिए मैं तैयार, मतलब जो भी प्रिपरेशन होता है कर लिया है मैंने, पैकिंग कर ली है, सामान वगैरह जो होता है मम्मी ने बना दिया। मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा बिजी थी सामान वगैरह पैक करने में, और घर में इतने सारे लोग होते हैं ना तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाती अच्छे से, इसीलिए। तो सब कुछ हो गया है, तैयारियाँ वगैरह हो गई है, मम्मी ने मच्छी बनाया है क्योंकि जब भी घर से निकलते हैं तो मच्छी खा के निकला जाता है मछली, इसीलिए। तो बहुत मिस करेंगे, ये 10 दिन कैसे बीत गए, और मेरा गला भी बैठा हुआ है अभी तक। और यहाँ से मेरा ट्रेन है 5:20 का, और मैं निकलूँगी 4 बजे, घर से निकल जाऊँगी, पापा मुझे छोड़ने जाएंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ट्रेन में चढ़ा देना है क्योंकि टिकट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती एसी एसी ट्रेन में जाने में, तो ना तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं रहता है, इसीलिए। तो पापा ट्रेन में चढ़ा देंगे, और मैं वहाँ पे मेरे भैया जी हैं जो, वो मुझे ट्रेन से लेकर आ जाएंगे घर तक। तो आप लोग के साथ में ये ब्लॉग लास्ट अपने मायके का ब्लॉग शूट कर रही हूँ विदाई का, तो कैसे लगे, कैसा लगेगा आप लोग कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे ब्लॉग में, और अभी मैं मार्केट से जा रही हूँ ना अभियान के लिए, थोड़े बहुत सामान लाने के लिए, जैसे कि डायपर वगैरह मैं सोच रही हूँ एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़े से मैं जितना दिल्ली से लेके आई थी वो थोड़े ख़त्म होने को आए हैं, अभी मैं यहाँ से ख़रीद लूँगी इसीलिए। हाय गाइस, तो मैं पहुँच गई थी मेडिकल शॉप, और ये जो मेडिकल शॉप में आई हूँ ना, इतना पुराना मेडिकल शॉप है, आंटी ने बताया कि 150 साल पुराना ये मेडिकल शॉप है, और आप लोगों को देख के लग ही रहा होगा जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना पुराने पुराने मेडिकल शॉप में, ऐसे अलमारियाँ देख के आपको लग रहा होगा इसमें, और इसमें सारे दवाइयाँ भरी हुई है। तो मैंने यहाँ पे अभियान के लिए डायपर और कुछ सामान लिया, और उसके बाद मैं घर आ गई रेडी होने के लिए, रेडी हो गई। उसके बाद मम्मी ने लगाया मुझे, नहीं भाभी ने लगाया मुझे आलता, और बोला जाता है ना आलता लगा के घर से निकलते हैं, तो मम्मी ने फिर मेरे को, मैंने लाल सिंदूर लगा रखा था तो मम्मी ने फिर ऑरेंज सिंदूर लगा दिया कि अच्छा लगेगा ऑरेंज सिंदूर लगा लो। तो यहाँ मैं रेडी हो गई, उसके बाद मम्मी ने दी मुझे, खोइचा दिया जाता है जाते वक्त अपनी, मतलब जब भी बेटी को विदा करते हैं तो खोइचा दिया जाता है, तो मम्मी ने यहाँ पे मुझे फिर खोइचा भरा, और धान का खोइचा होता है, या तो आप जीरा दे सकते हो, चावल दे सकते हो, हल्दी दे सकते हो, तो वो सब का खोइचा था और कुछ पैसे। तो इसको मम्मी ने बांध दिया मेरे आँचल में, और उसके बाद घर से बाहर निकल के फिर मैंने इसको प्लास्टिक में डाल लिया था, तो यहाँ मम्मी ने आँचल में बांध दिया, उसके बाद मैंने प्लास्टिक में डाला, फिर अपने बैग में रख लिया था क्योंकि जाने में फिर प्रॉब्लम होता है वो खोइचा लेके वैसे, तो बाहर में मैंने फिर उसको प्लास्टिक में डाल लिया था। और हम लोग यहाँ पे बाहर निकल गए थे जाने के लिए, क्योंकि लॉन्च में भी फिर टाइम लगता, भीड़ वगैरह होता है, तो यहाँ मेरी दीदी मम्मी और सबको मुझे लॉन्च घाट तक छोड़ने जा रहे हैं, और उसके बाद मम्मी और पापा गए थे मुझे छोड़ने के लिए ट्रेन में,
ट्रेन में बैठाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सबके पैर छुए दीदी के। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, फिर मजली वाली सिस्टर है, मम्मी है और भाभी है, और मेरी एक जो सिस्टर है थर्ड वाली सिस्टर, तीसरी नंबर वाली सिस्टर, वो आ नहीं पाई है। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और मैंने पहना है साड़ी। सब मुझे छोड़ने जा रहे हैं स्टीमर के पास, क्योंकि वहाँ से हम जाएंगे हावड़ा स्टेशन और वहाँ से फिर ट्रेन है मेरा। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। मेरी दीदी मुझे छोड़ने जा रही है। दीदी है, मम्मी है, सब स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, स्टेशन नहीं स्टीमर तक छोड़ने जा रहे हैं, लॉन्च घाट तक। हाँ, और पापा जाएंगे मुझे हावड़ा तक छोड़ने, स्टेशन तक। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं लॉन्च में चढ़ गई हूँ, मतलब स्टीमर पे, और दीदी ने कुछ वीडियो बना दिया था मेरे लिए ये ब्लॉग के लिए, कि मतलब सी ऑफ करते हुए, तो वो मुझे फिर मैंने ऐड कर दिया। दीदी ने भेज दिया था मुझे व्हाट्सएप पे ये वीडियो। तो देखिए लॉन्च, मतलब ये जो स्टीमर है वो खुल गया है, और ये मुझे मतलब 15 to 20 मिनट लगेंगे मुझे हावड़ा स्टेशन पहुंचने में इससे, और उसके बाद हम यहाँ, मैं स्टीमर के अंदर बैठी हूँ और अभियान मेरे बैग से खेल रहा है, और यहाँ पे जो मेरी कुकू है, मेरी भाई की बेटी, वो भी आ गई हमारे साथ, वो भी जिद कर रही थी जाने का इसीलिए, और फिर हम पहुँच गए थे हावड़ा स्टेशन। उसके बाद हम अपना ट्रेन कौन से स्टेशन, मतलब कौन से एक होता है ना प्लेटफॉर्म पे रुका है, उस पर हम स्टेशन पे रुका है वो हम खोज रहे थे कि स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग, ट्रेन भी आ चुकी है, अब अपना सीट खोजते हैं और बैठते हैं, और 4 घंटे में मैं अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं थोड़े देर में। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे, क्लीनिंग हो रही है ट्रेन की, और हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद चढ़ेंगे ट्रेन में, क्योंकि यहाँ पे मेन स्टेशन है हावड़ा, तो यहाँ पे सारे स्टेशन मतलब ट्रेन आके रुकती है, वेट होता है, क्लीनिंग होती है, इसलिए तो हम टाइम के पहले पहुँच चुके हैं, 5:20 में हमारी ट्रेन खुल जाए। तो हम बैठ गए थे ट्रेन में और मम्मी पापा भी अंदर आए थे, मुझे मतलब ऐसे ही थोड़े देर में चाहती थी कि ये भी ट्रेन नहीं खुला, टाइम था खुलने में ट्रेन, तो इसलिए मम्मी अंदर आके हम बात बात कर रहे थे। उसके बाद मम्मी बाहर निकल गई और वेट कर रहे थे मम्मी पापा सब कोई कि जब ट्रेन खुलेगा तो फिर मुझे बाय बोलेंगे, फिर वो लोग जाएंगे। तो ट्रेन भी खुल चुकी थी और अभियान भी इंजॉय कर रहा था, बाहर देख रहा था खिड़की से, और मैं मिस भी कर रही थी, बहुत जल्दी चली आई, मतलब 10 दिन कैसे बीत गया ना फ्रेंड्स, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। मतलब मैं चाहती थी थोड़े दिन और रहूँ, अच्छे से इंजॉय, चलो जितना भी किया ठीक ही है, और कभी नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो जो भी है इंजॉय कर लेंगे, और भी मिस कर रही हूँ मैं, राखी में नहीं रह पाई वहाँ पे,
और उसके बाद फिर अव्यान यहाँ पे खेलते खेलते सो गया था, उसको मैंने सुला दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया ट्रेन में, ऐसे जो ट्रेन में समोसे वगैरह आते हैं वो मैंने लेके नाश्ता किया था। उसके बाद अव्यान भी उठ गया था और फिर मतलब टाइमिंग भी हो गई थी मेरे स्टेशन आने का, आसनसोल आने का, तो अव्यान भी उठ चुका था। फिर ये खेल रहा था, इसको खिला उला के फिर मैं मतलब कैसे भी करके मैंने मैनेज कर लिया इसको अकेले। और यहाँ पे आप देखिए ये बैठ के इंजॉय कर रहा है अकेले सीट पे, क्योंकि मेरे बगल वाले में सीट में जो बैठे थे उसका स्टेशन आ गया था तो वो निकल गए थे, तो यहाँ पे एक सीट जो था उस पे मैंने अव्यान को बैठा दिया। और फिर मैं उतर गई थी और मेरे जो भैया जी है वो लेने आ गए थे। और ये जो बाबू देख रहे हैं आप, ये मेरे जेठानी का बेटा है और अव्यान भैया जी के गोदी में है, भैया की गोदी में आगे बैठा हुआ है। और फिर हम घर के लिए मतलब मेरे ससुराल के लिए निकल गए। आप देख ही सकते हो अव्यान बाहर वहाँ आगे बैठ के इंजॉय कर रहा है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद मैं पहुँच गई थी ससुराल और वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि कोई वीडियो शूट करने के लिए वहाँ पे था नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।